एमपी में अभी ईवीएम विवाद थमा भी नहीं कि पोस्टल बैलेट भी सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय के पास बने होमगार्ड्स की कैंटीन में कई पोस्टल बैलेट बिखरे पड़े थे। इसकी खबर जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिली वो तत्काल मौके पर पहुंचे, बिखरे हुए बैलेट पेपर्स का वीडियो बना लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा भी मतदान में धांधली की जा रही है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद आयोग से इसकी जांच पुलिस मुख्यालय को ही दे दी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से भी जानकारी तलब की गई। पोस्टल बैलेट पेपर हैंडओवर करने को लेकर जानकारी मांगी गई है। बता दें कि भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका के चलते स्ट्रॉन्ग रूम वाली इमारतों के बाहर वोटिंग के अगले दिन से ही डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार से मिलकर प्रशासनिक अधिकारी ईवीएम में हेरफेर कर सकते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।